तो स्वागत है आप सभी का फिर से एंड्रॉय पाठशाला में। तो दोस्तों बिहार बीएड और बिहार डीएड एंट्रेंस एग्जाम प्लीज टू में आप सभी के लिए क्रैश कोर्स लेके आ चुका हूँ। तो डेली दोस्तों आपको रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच आपको रात को डेली वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पे आपको बिहार बीएड और बिहार डीएड से रिलेटेड जो भी एंट्रेंस एग्जाम का जितना भी सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट के अनुसार क्रैश कोर्स लेकर आऊँगा, जहाँ पर आपको बिहार बीएड और बिहार डीएड के जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो मैं बताने आ चुका हूँ अपना क्रैश कोर्स जो पहला क्लास है दोस्तों। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों शेयर भी कीजिएगा, और हो सके दोस्तों तो ये सभी पीडीएफ फाइल का जो फॉर्मेट है मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए दोस्तों सिंपल सा आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। आप चाहते हैं किसी प्रकार का गवर्नमेंट वैकेंसी से अप टू डेट रहना दोस्तों, आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते ये रहा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी मिलेगी, आप देख सकते ये रहा स्टडी मटेरियल, जहाँ पर आपको जीके जीएस जो भी दोस्तों आपको यहाँ पर सारा नॉलेज आपको यहाँ पर साथ ही दिया जाएगा। यहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ मिलता रहेगा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। दोस्तों जाइए दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन करने की कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड करना है, उसके अंदर से सर्च कीजिएगा एंड्रॉइड पाठशाला, एंड्रॉइड पाठशाला जिससे आते हैं उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आप ये सारा मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, डायरेक्ट आप लिंक क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने आगे, जहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये रहा बिहार बीएड। दोस्तों यहाँ पे बिहार बीएड और बिहार डीलेट दोनों के लिए दोस्तों आपको मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों आपको बिहार बीएड के लिए बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बिहार बीएड में आपको मैं आज हिंदी और इंग्लिश का बताने आया हूँ मैं, जहाँ पे दोस्तों दोनों का सेम है। हाँ बस इसका जो इसका जो क्वेश्चन नंबर होती है वो अलग अलग है। मैं बताता हूँ क्या, बिहार बीएड में दोस्तों टोटल आपको 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा और 15 नंबर का होगा, यानी कि दोस्तों टोटल क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। और वहीं आपका बिहार डीलेट में दोस्तों टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बिहार डीलेट के अनुसार टोटल 30 क्वेश्चन इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, टोटल आपको क्वेश्चन होगा 90 नंबर का, यानी कि दोस्तों एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। बस ये दोनों में अंतर है, और दोनों का दोस्तों जो पैटर्न है जो आपका लेवल है बिल्कुल सेम होगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि दोनों में अंतर होगा। इसलिए दोस्तों एक ही वीडियो में आपको बिहार बीएड और डीलेट का बताने आया हूँ। अगर दोनों में अंतर रहेगा, जैसे कि दोस्तों बिहार बीएड में आपको टीचिंग एबिलिटी के बारे में पढ़ना है और डीएड में नहीं पढ़ना है, तो मैं उस टॉपिक को जब वीडियो लेकर आऊंगा दोनों को अलग अलग क्लास आपको लूंगा। यहाँ पर तो दोनों का सेम है हिंदी और इंग्लिश, तो मैं आपको एक ही क्लास में ले रहा हूँ। तो आइए दोस्तों यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए आप दोनों लोग। दोस्तों देखते हैं पहला है जो क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक दोस्तों, जो आपका पैसेज है, पैसेज मतलब दोस्तों ये आपको कहानी के रूप में दिया रहेगा, इससे इसके अंदर ही दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल 5, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। इसके जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का मेन पर्पस क्या है दोस्तों। आप देखते हैं यहाँ पर आपको आंसर इसका डायरेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो आप देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आंसर है ए, वही आंसर होगा प्रोजेक्ट न्यूज़ ऑब्जेक्टिवली एंड इमेजिनेटिवली। जहाँ पे दोस्तों आप देखते हैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा, जो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 7 दिख गया होगा, ये रहा प्रेजेंट एंड प्रोजेक्ट द न्यूज ऑब्जेक्टिवली एंड इमेजिनेटिवली। दोस्तों देखते हैं इसका आंसर आपको यही होगा, यानी कि आपका आंसर ए होने वाली है। इस तरह से दोस्तों आप सिंपल से बना लीजिएगा, जो लेवल इसका होती है बहुत ही ईजी होती है, बैंक SSC का लेवल का नहीं होता है इंग्लिश, तो आप आसानी से बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, ये 5 दोस्तों क्वेश्चन आपका ये पैसेज से होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है 6 नंबर, जहाँ पे दोस्तों सिंपल सा है बिहार बीएड और डीएड दोनों के लिए। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे आप देख रहे होंगे चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडम इन फ्रेज। तो अगर आप आइडम फ्रेज पढ़ाई किए होंगे, अगर छोटा सा भी आप जॉब का तैयारी किए होंगे, तो आसानी से बन जाएगी दोस्तों। जहाँ से आप देख सकते हैं टू गिव ए पर्सन द कोल्ड सोल्जर, दोस्तों देखते हैं इसका जो आपका आंसर होगा दोस्तों सिंपल सा, इसका आंसर आपका ए, यानी कि दोस्तों सिंपल सा आपका इसका होगा टू शो नो इंटरेस्ट, इसका आंसर आपको हो जाएगा। और नेक्स्ट दोस्तों चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पे आपको दोस्तों ये मीनिंग है उसके अल्टरनेटिव क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना होगा, सिंपल सा दोस्तों आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख सकते हैं ये रहा आपका चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एम्पल, एम्पल का आपको सिनोनिम्स क्या है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एम्पल का सिनोनिम्स आपका होगा ए, सफिशियंट होगा। और दोस्तों नेक्स्ट है जो एंटीनेम्स, दोस्तों अगर सिनोनिम्स और एंटीनेम्स आपने पढ़ा होगा सिंपल सा, तो आसानी से ये बना सकते हैं। देख सकते हैं 10 नंबर है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव वर्ड, दोस्तों नेक्स्ट है जो आप देखते हैं ये सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करना है, अप्रोप्रिएट एक वर्ड यहाँ पे आएगा जो आपको ऑप्शन में दिया गया है उसी के अनुसार आपको सेट होगा। जैसे कि 10 नंबर देख लेते हैं, देयर इज ओनली डैश मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल, दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 10 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए लिटिल होगा यहाँ पर दोस्तों, आपका लिटिल यहाँ पे फील होगा, यहाँ पर आंसर डी होगा। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर भी आप देख लीजिएगा इसी तरह से, इफ दे डैश डैट पिक्चर लोअर पीपुल वुड बी एबल टू सी इट, यहाँ पर दोस्तों आपके अनुसार क्या आंसर होगा दोस्तों देख लीजिएगा, तो आपके अनुसार इसका आंसर होगा हंग,
हाँ यहाँ पे आपको आंसर होने वाला है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है जो आप देख सकते हैं 12 नंबर, तो यहाँ पे आपको इस वीडियो में टोटल आपको इंग्लिश और हिंदी कहीं बताऊंगा, बाकी जो दोस्तों बच जाएगा मैं आपको इसका नेक्स्ट जो होगा क्रैश कोर्स होगा उसमें आपको लेकर आऊंगा। तो बस आप मेरे वीडियो से बने रहेगा, मेरे चैनल से बने रहेगा, आपको किसी प्रकार डाउट होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल से बने रहेगा और मुझे कॉमेंट करके पूछेगा, मैं सभी कॉमेंट का आंसर दूंगा। और हाँ दोस्तों मैं आपको पर्सनली एक अपना नंबर देता हूँ, तो जहाँ से आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप के थ्रू दोस्तों, और हाँ दोस्तों मैं आपको पर्सनली किसी प्रकार का डाउट होती है तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आपको मेरे स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर से दोस्तों डायरेक्ट आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भी कर या डायरेक्ट आप कॉल करके बिहार बीएड और बिहार डीलेट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। चाहे बिहार बीएड में, बिहार डीलेट में कितना कितना गवर्नमेंट कॉलेज है, किस तरह से एडमिशन होना है, क्या आगे एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन सा कॉलेज आपको बेहतर होगा, फिर कॉलेज च्वाइस करना कौन सा तरीका होता है, क्या तरीका होता है, ये सारा न्यूज़ आपको दोस्तों डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं मेरे वीडियो के थ्रू भी और डायरेक्ट आप मेरे नंबर पर कॉल करके भी। दोस्तों आपको मेरे स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा या इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं सभी मैसेज को आपको फटाफट रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इसी बीच आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूं इस तरह की वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब आते हैं दोस्तों आगे जान दे सकते हैं नेक्स्ट दोस्तों, देख सकते हैं यहां पर आपको क्वेश्चन दिया है इंग्लिश से, आप देख लीजिएगा करेक्टली दोस्तों यहां पर आपको मीनिंग लिखा हुआ है, इसमें कोई ना कोई चार में से एक मीनिंग है दोस्तों जो गलती है, आप देख लीजिए कौन सा गलती है। उसके बाद दोस्तों आते हैं नेक्स्ट है जो आप देख सकते हैं यहां पर सब्सिट्यूट यहाँ पर दिया गया है, तो सब्सिट्यूट के अनुसार तो आप यहाँ पर बना लीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ए प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड सेफ्टी, इसके अनुसार तो आपको कौन सा होने वाला आंसर आप देख लीजिएगा, ए बी सी डी जो भी आंसर होने वाला है तो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट है जो मेरा हिंदी, 16 से लेकर 30 तक आपको टोटल हिंदी होगा, दोस्तों देखते हैं पूरा हिंदी है। इसके बाद तो आपका यहाँ जो रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है सभी को मैं डिटेल से बताऊँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, देख लेते हैं आहान का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आहान का विलोम शब्द क्या, आप यहाँ से आंसर देख लीजिएगा क्या है उसका आंसर, दोस्तों बताइए जल्दी से कमेंट करके आप बता सकते हैं। 16 का आंसर दोस्तों आपका है सी विसर्जन, आपका इसका आंसर होगा। अब आते हैं दोस्तों आगे 16 के बाद 17-18 आपका जो है मुहावरा से रिलेटेड है, जहाँ देख लीजिएगा ऊंट की चोरी नीरू नीरू, दोस्तों देखते हैं ये पता नहीं कुछ मुहावरा है तो कुछ अटपटा सा पूछ दिया जो मुझे पता नहीं है, पहली बार मैं सुन रहा हूँ। इसका जो आंसर है आपका बी होगा, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं, दोस्तों इसका आंसर ये। उसको आते हैं 18 नंबर जहाँ पर देख सकते हैं काठ मार जाना, काठ मार जाना इसका दोस्तों आंसर जो होगा आपका देख सकते हैं तो सी इसका आंसर होगा दोस्तों, हतप्रभ हो जाना। अब आते हैं उसके आगे दोस्तों जहाँ पे दोस्तों देखते हैं 19 से 20 जो क्वेश्चन है दो आपका है फिल द ब्लैंक्स बोल सकते हैं, जहाँ पे व्यर्थ का डैश मत कीजिए, आप अपने साथ दोस्तों आंसर चूज कर लीजिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है, तो व्यर्थ का डैश मत कीजिए, आपका आंसर होने वाला है प्रलाप। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है जिस व्यक्ति ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली है उसे क्या कहते हैं, तो सिंपल सा आपको पता ही होगा इसको क्या कहते हैं, उसका आंसर होगा आपका गुंडा केस उसको कहा जाता है, सिंपल आंसर सी होगा। उसको आते हैं नेक्स्ट दोस्तों 21 नंबर उस्ताद शब्द का परिभाषित शब्द क्या है, उस्ताद मतलब दोस्तों नहीं बोलते हैं बहुत उस्ताद हो, इसका परिभाषित शब्द क्या है, तो सिंपल सा दोस्तों इसका परिभाषित शब्द आपका बनेगा डी इसका आंसर होगा, जो आप देख सकते हैं ये सभी यानी कि क्या है आपका निपुण होगा, दक्ष होगा, गुरु, हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सभी आपका होगा, जितने भी ऑप्शन में आंसर आ रहा है वो सभी होगा। निम्न में किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, निम्न में किसमें प्रत्यय का प्रत्यय नहीं हुआ आप देख लीजिएगा, इसका आंसर दोस्तों होगा 22 का आंसर होगा आपका ए जो है किरण में आपका प्रत्यय का यूज नहीं हो रहा है। उसके बाद दोस्तों आते हैं आगे 23 नंबर क्वेश्चन जाने से पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बिहार बीएड से रिलेटेड पल का न्यूज, बिहार डीलेट से रिलेटेड पल का न्यूज से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे से बन जाएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों हर दिन रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच मेरे चैनल पर बिहार बीएड और डीलेट से रिलेटेड क्रैश कोर्स आएगा वीडियो, जहाँ से दोस्तों आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। अगर आप ये वीडियो को देखते हैं तो 90% चांस है कि आपको क्वेश्चन बनेगी और आप अच्छा नंबर ला पाएंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन हो सकता है। दोस्तों प्लीज़ आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा और अपने दोस्तों शेयर भी कर देना इस वीडियो को और वीडियो को लाइक जरूर करो दोस्तों, आप लोग लाइक जरूर करो दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों आगे जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं, जैसे सिंपल सा है अनेक शब्दों का एक शब्द बोल सकते हैं इसको, जो हम लोग बचपन में हमेशा पढ़ते आते हैं उसका आंसर होगा तो सिंपल सा 23 का आंसर क्या होगा तो सी आंसर होगा इसका अद्वितीय। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अलंकार है, देख लेते हैं क्या है, जलता है या जीवन पतंगा, ये दोस्तों आपका आ रहा बी रूपक अलंकार है दोस्तों, ये एक्चुअली मुझे पता नहीं है ये क्या होता है, बस मैं आंसर देख के आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट है उल्लास का संधि विच्छेद क्या है, दोस्तों देखते हैं उल्लास का संधि विच्छेद क्या है, तो उल्लास का आपका संधि विच्छेद है आपका आंसर है डी यानी कि उत चोर लास,
अब आते हैं दोस्तों आगे, इसके बाद नेक्स्ट है जो आप देखते हैं ये रहा यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन 26 से 30, टोटल आपका 5 है जो जस्ट आपका इंग्लिश में था पैसेज, उसके थोड़ा आपको यहाँ पर भी है हिंदी में पैसेज है जिसको गद्यांश बोला जाता है। इस गद्यांश को पढ़िएगा फटाफट 2-3 मिनट लगाकर, और उसके अनुसार आपको 5 को आंसर दे देना है। सिंपल से दोस्तों ये 5ों क्वेश्चन दोस्तों आपको बोल सकते हैं फ्री में आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये सभी का आंसर आपको इसमें लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा आसानी से बन जाएगा। बोला था टोटल आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए बताऊंगा, जहाँ पे दोस्तों मैं बता चुका हूँ। अगर दोस्तों किसी प्रकार डाउट आ रही है या मुझे पढ़ाने का तरीका या समझाने का तरीका में कुछ कमी आ रही है, वो भी तो आप मैसेज के थ्रू मुझे बता सकते हैं, मुझ कुछ चेंज करके आपको बताऊंगा। बस आपको मेरे वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिले, ताकि आप सभी लोग आए और मेरे चैनल को विजिट करें और ट्रस्ट करें मेरे चैनल पे, क्योंकि दोस्तों मैं मेहनत करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी का जो एग्ज़ाम अच्छे तरह से जाए और आप सभी लोग का अच्छा नंबर आए, ताकि आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो। दोस्तों बिहार बीएड और बिहार डीलेट रिलेटेड पल पल कुछ बात करने के लिए पेज में जैसे बनिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कल 8 बजे, मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट इसके आगे का पार्ट, या हो सके डीलेट का स्पेशल वीडियो जहाँ पर मैं बताऊँगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।